होली पूर्ण रूप से फसली उत्सव है। भीलों के इस पर्व को किसी भी पौराणिक कथाओं से संबंध नहीं है। खेतों में वर्ष का अंतिम फसल तैयार होकर घर में आ जाता है और प्रकृति में कुछ पेड़ पौधों में गर्भ रहता है। उस गर्भ से तैयार होने वाले फल फूलों की सुरक्षा हो, उसका पोषण अच्छा हो, उन सभी फलों को धरती अच्छा दूध पिलाए, ऐसी मनोकामनाओं के साथ घर में आई नई फसल को खाने की शुरुआत करने के लिए ही होली का पर्व मनाया जाता है। जब तक होली का पर्व मनाया नहीं जाता तब तक कुछ पेड़ के फलों को खाने की अनुमति नहीं दी जाती है। यह कहानी गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा क्षेत्र की है, जिसे आमुंड पाटी भी कहा जाता है। भीलों के प्राचीन मौखिक इतिहास के अनुसार दाब राज्य 7 प्रदेशों से बना हुआ था, जिसमें नोयरा पाटी, निबाट पाटी, नाहल पाटी, देहे पाटी, माउचार पाटी और आमुड पाटी जैसे समुदाय विशेष क्षेत्र पाए जाते थे। इस राज्य का केंद्र स्थान दाब था, जो आज महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले का सतपुड़ा पहाड़ में बसा एक गांव मात्र रह गया है। मौखिक इतिहास कहता है कि दाब राज्यों के लोगों ने हजारों साल पहले जंगली फसलों की पहचान कर खेती की शुरुआत की थी। खेती से जुड़े हर त्योहारों को मनाने की शुरुआत यहीं से हुई थी। यहीं के लोगों की मेहनत ने गीत नृत्य वाद्यों को जन्म दिया था। सारे फसली पर्व को जन्म देने वाले यही लोग थे। इस जीवन को सांस्कृतिक धरोहर से सुसज्जित करने वाले यहाँ के मुख्य देव देवी राजा पाठा, बीना देव और यहाँ मोगी थे। एक पुरा कथा के अनुसार वीरियो वागोर और निम्बा काटों का बेटा पोरोपदेव की पत्नी आथा डुंगरी के कई बेटे बेटियां थीं। कहा जाता है कि दिवाली और होली उन्हीं की बेटियां थीं। भीलों के सारे पर्व त्योहार प्राकृतिक देव देवियों के नाम या कथाओं से ही बने हैं। भीलों ने प्रकृति को ही देवत्व स्वरूप दिया और उसी के नाम से सारे पर्व त्योहार मनाने की शुरुआत की। उसी एक प्राकृतिक पर्व का नाम है होली।